हे गाइस, देखिए तवांग आने से आप लोगों को स्पेशली रात में आने से इस तरह का नजारा देखने को मिलेगा। देखिए एक टनल है, देखिए गाइस यहाँ पर देखिए छोटा सा एक एक्सीडेंट हो गया और रास्ता पर देखिए इतना आइस है और वाह यहाँ से व्यू देखो गाइस, रास्ता देखो क्या सीन यार, ऊपर का नजारा देखो। चलिए गाइस एक बार आप लोगों को यहाँ का रूम भी कैसा है किस तरह है एक बार दिखा देता हूँ आप लोग। हेलो नॉटीज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज बात को जैसे है कि आज हम लोग आप लोगों का सामने एक ट्रेवलिंग ब्लॉग लेके आया हूँ जो कि हम लोग दिमापुर से तवांग तक जाने वाले है और वहाँ का जो आगे का ब्लॉग होगा वो आगे जाके मिल जाएगा। आज आप लोगों को ट्रेवलिंग ब्लॉग ही दिखाने वाला हूँ रास्ते का जो कि किस तरह हम लोग कौन सा रास्ते से जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए ब्लॉग को करते स्टार्ट। और स्टार्ट करने वाला जो कोई भी नया हो चैनल पर चैनल को करना सब्सक्राइब और साथ में घंटी को बजाकर ऑल पर रख देना। ठीक है, आने वाला आप लोगों को इसी तरह हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए लेट्स गो। तो गाइस देखिए हम लोगों का साथ में कौन कौन जा रहे हैं, हम लोग चार लोग हैं, चार फ्रेंड, और थोड़ा पानी वगैरह ले ले रहे क्योंकि पानी तो चाहिए चाहिए। ठीक है ना, बोलो हाय बोल दो सब। बोल तो चलिए चलो शुरू करते हम लोगों का जर्नी। तो गाइस अभी फिलहाल हम लोग देखिए यहाँ पर थोड़ा फ्यूल डाल लेते और उसका बाद फिर जर्नी शुरू करेंगे। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं भाई लोग, कहाँ जा रहे हैं बोलो। हम लोग तो तवांग तक जाएंगे, भगवान करे शुक्र करे कि सही सलामत जाए, सही सलामत घूम के आए क्योंकि पहली बार जा रहे हैं। अच्छा, अगर आप लोग जाओगे तो इस वीडियो देखने से आप लोग को पता चल जाएगा। अच्छा। कैसे जाना है, कैसे आना है, कहाँ रुकना है, कैसे नहीं रुकना है, ये जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कृपया इस वीडियो पूरा अंत तक देखना पड़ेगा। हो सके तो लाइक शेयर कर देना, आप लोग को भी बढ़ावा मिल जाएगा और एक बंदे का थोड़ा आगे जाने का मौका मिलेगा। और सामने वाला बंदे को पूछते हैं भैया, ए बंदा बोलिए बोलो आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं ना सेकंड टाइम जा रहे हैं? नहीं हम भैया फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। तो आप क्या सोच के जा रहे हैं? हमारा सोचना क्या है, हमारा तो कैसे जाके जगह पहुँचे, कैसे जगह जगह देखे, हमको तो कितना जल्दी पहुँचे। अच्छा, मन में उतर लगा है कब, मतलब कब मिलेगा देखने के लिए ना, देखने के लिए मन तो वाला है। और देखिए इधर हिंदी थोड़ा खराब है भैया, ये ड्राइवर मत सोचो, ये हम लोग का फ्रेंड है। और हम लोग पीछे में देखिए हम लोग दो ड्राइवर बैठा है इधर में, एक्सचेंज करेगा। लेकिन आप लोग भी अगर गाड़ी लेके जाओगे दो ड्राइवर तीन ड्राइवर जो भी है जानकारी वाला लेके जाइए, अकेला आदमी को ये सहन नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत दूर की रास्ता है। अगर जहाज से जाता है वो आप लोग को मालूम चल जाएगा, हम लोग डिस्टेंस बता देंगे कहाँ से कितना दूर है। डिमापुर से तो 600 किलोमीटर है, बाकी आप लोग कहाँ से है वो पता कर लीजिएगा क्योंकि आगे बताते जाएंगे। नुमलीगढ़ का गोरू बाजार है, गाय का मार्केट, ये हमें देखिए सारे गाय बांधा हुआ है, ये गाय का मार्केट लगता है। गाइस ये हो गया काजीरंगा, ये देखिए नेक्स्ट काजीरंगा का गेट, और इस तरफ हो गया पार्क जाने वाला, एनिमल्स जितने भी है देखने के लिए देखिए गेट, और यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह है। गाइस ये हो गया काजीरंगा का रिजर्व, और अभी हम लोग थोड़ा यहाँ का साइड सीन थोड़ा दिखेगा उसके बाद आगे का जर्नी शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए बहुत सारे लोग देख रहे हैं, देखिए तो चलिए देखते क्या देख रहे हैं वो लोग, हम लोग भी देखने के लिए कोशिश करेंगे। तो गाइस ये देखिए ये हो गया असम का नेशनल एनिमल्स जो कि राइनो, और
कोई कोई जंगल का अंदर में है ना भाई। और गाइस देखिए इस एनिमल को देखने के लिए कितने सारे लोग आया यहाँ पर देखने के लिए, देखिए रुका है यहाँ पर। तो चलिए हम लोग भी चलते हैं यहाँ से। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं जकलाबंदा और अभी यहाँ पर हम लोग थोड़ा दोपहर का लंच करने वाला है, उसके बाद आगे का जर्नी शुरू करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे ढाबा भी है, ये जकलाबंदा का साइड में बहुत बड़ा बड़ा ढाबा भी है। तो हम लोग फिर इस तरह आगे जाने वाला है, चलिए चलते। यहाँ पर क्या क्या होटल है देखते हैं। एक है मुरली होटल, न्यू बीजू होटल। तो दोस्त लोग जा रहे हैं इस पर बीजू होटल का अंदर, चलिए देखते। सुना है यहाँ पर बहुत ही खाना बहुत टेस्टी होता है, तो चलते देखते, बहुत बड़ा होटल है। गाइस देखिए हम लोग का खाने का मेनू देखिए, पूरा टेबल पूरा फूल है, जगह ही नहीं है, एक से बढ़कर एक है खाने में। क्या क्या खा रहे देखिए, कोई फिश, कोई मटन, कोई अंडा। इतना बड़ा पीस है। यहाँ से देखिए जकलाबंदा पार हो गए हम लोग, यहाँ से थोड़ी देर जाने से कोलियावर का रास्ता मिल जाएगा, वहाँ से हम लोग को डायना लेना है। अगर तावांग तेजपुर जाना हो तो डायना तरफ लेना पड़ेगा, और लेफ्ट साइड में जाओगे तो आप लोग नौगा गुवाहाटी चला जाओगे। ये है मेरा दोस्त, देख लीजिए, देख लो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर बॉर्डर, और ये हो गया गाइस अरुणाचल का जो बॉर्डर का जो गेट है यही है। और अभी हम लोग अंदर जाके पास बनाना पड़ेगा, उसके बाद आगे जाने के लिए मिलेगा। तो चलिए अंदर चलते देखते। तो हम लोग फिलहाल अरुणाचल का अंदर घुस चुके, अभी चलिए अंदर। गेट क्रॉस करने के बाद में इस तरफ देखिए एक मनसब है, और यहाँ पर है देखिए AMDO PCO बोल के, यहाँ पर पास बन जाएगा। तो हम लोग फिलहाल यहाँ पर पास बनाने के लिए दिया है, ठीक है। तो भैया एक पास का आप लोग कितना रहते हैं, एक पास का ऐसे ही नॉर्मली जो रेट है 100 ऑनलाइन में। अच्छा अच्छा, इमरजेंसी बनाने के लिए जो आपका पास आने से हो जाएगा ना, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू। देखिए गाइस देखिए तवांग आने से आप लोगों को स्पेशली रात में आने से इस तरह का नजारा देखने को मिलेगा। देखिए एक टनल है, क्या नजारा है भाई, बीच में देखो देखो, बीच में देखो इतना छोटा छोटा है, ठंडा। अच्छा बोलो नजारा कैसे है, सुपर डुपर हिट ना, बॉर्डर रोड में इतना सुंदर टनल बना के रखा है, इससे खूबसूरत तो क्या हो सकती है। तो सच बोला है, वाओ, फिर आ गया अंधेरा। The next morning. Hey guys, good morning. तो guys, actually बात क्या हुआ, कल रात बहुत रात हो चुका है और ब्लॉग को एंड नहीं कर पाया, और हम लोग को बीच रास्ते में स्टे करना पड़ा, और हम लोग चेंगा बोल के एक टाउन है वहाँ पर हम लोग होटल लेके स्टे किया, और यहाँ से अभी फिलहाल फिर आगे जाने के लिए हम लोग और 7 घंटा मतलब 7 आवर्स और जर्नी करना पड़ेगा उस लोग, उसका बाद हम लोगों को तवांग में मिलने वाला है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर जो होटल में बैठा था उस होटल का थोड़ा नज़ारा दिखाऊंगा, और थोड़ा आसपास का नज़ारा देखिए, थोड़ा ये देखिए
यहाँ का थोड़ा आसपास का नज़ारा कुछ इस तरह है। और हम लोग थोड़ा वो जो देखिए ऊपर से जो रास्ता गया उसी रास्ते से हम लोग आया था। तो चलिए थोड़ा सामने जाके आप लोगों को दिखाता हूँ वहाँ का। देखिए गाइस यहाँ का कुछ नज़ारा कुछ इस तरह है। देखिए सामने में एक छोटा सा नदी भी है और ऊपर में देखिए कितना बड़ा बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है। और ये हो गया होटल। और देखिए हम लोग दो बेड का इस तरह का दो रूम लिया और रूम काफ़ी अच्छा ही है। और बगल वाला एक रूम है यहाँ पर देखिए सेम है। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ से थोड़ा नीचे जाएंगे, थोड़ा चाय पानी नाश्ता वगैरह करके फिर हम लोग जर्नी स्टार्ट करने वाला है। ठीक है चलो चलो। तो गाइस देखिए हम लोग इसी होटल पर रात में स्टे किया और इस होटल का नाम हो गया डिंकू। और यहाँ का देखिए साइट सीन कुछ इस तरह है, बहुत ही खूबसूरत एक नज़ारा है। और देखिए छोटा सा एक हैंगिंग ब्रिज भी है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। काल रात हम लोग एक्चुअली सुबह हम लोग वहाँ से दिमापुर से 10 बजे निकला और रात को 10:30 को यहाँ पर आके रुकना पड़ा क्योंकि रात बहुत हो चुका है। इसलिए हम लोगों को यहाँ का जो टेंगा बोल के एक टाउन है छोटा मोटा वहाँ पर रुकना पड़ा है। देखिए गाइस यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह है देखिए। और अभी हम लोग थोड़ा यहाँ पर रास्ते पर बीच रास्ते पर थोड़ा रुका था रेस्ट करने के लिए। और देखिए यहाँ पर साइनबोर्ड भी लिखा हुआ है, यहाँ से फिलहाल तवांग और भी 164 किलोमीटर दिखा रहे हैं। और रास्ता तो खतरनाक है भाई, क्या बोलूँ। बोलो आप लोग थोड़ा बोलो, जर्नी कैसा लग रहा है? इतनी ठंड है, इतनी तेज हवा मार रही है अभी। तो गाइस हम लोग चलते चलते रास्ते पर अभी फिलहाल बीच रास्ते में फिर रुका हूँ एक बार दोबारा। और ये धीरंग बोल के एक टाउन है और यहाँ पर थोड़ा एक तेल डिपो मिला वहाँ पर। अभी गाड़ी में थोड़ा फ्यूल डालेंगे, उसका बाद आगे का फिर जर्नी करेंगे। ठीक है तो बने रहना और आगे जाके आप लोगों दिरंग टाउन भी मिल जाएगा। और ये हो गया टाउन जाने का पहले एक तेल डिपो है, देखिए पूरा गाड़ी लाइन पकड़ के रखा है, इतने सारे गाड़ी लाइन पकड़ के रखा है देखिए। चलते रहेगा आप लोग देखते रहो, अगर कोई तेल डीजल पेट्रोल भरा ना हो तो यहाँ से भरा लीजिएगा, आगे जाके मिलेगा नहीं, बहुत दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। हम लोग फुल टैंकी कर लिया यहाँ से। भैया रास्ता तो बहुत छोटा है, ये टाउन का है ना, टाउन है ना, ये पुलिस पॉइंट है। क्या सीन है गाइस, क्या सीन है, जबरदस्त सीन है देखिए। वाओ यहाँ पर देखिए गाइस हनविल बेकरी गिफ्ट शॉप अंदर में। तो
गाइस चलिए यहाँ से निकलते और हम लोग भी यहाँ से थोड़ा सा चाय पानी नाश्ता कर लिया। अभी थोड़ा और हम लोगों को ट्रेवलिंग करना पड़ेगा। देखिए हम लोगों ऊपर में जो रास्ता दिखाई दे रहा है ना, उसका ऊपर जाना पड़ेगा। रास्ता बहुत डिफिकल्ट है गाइस, खतरनाक है। तो चलो चलो, देखो गाइस देखो, हम लोगों का ड्राइवर चेंज हो गया। I'm on a chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'm a swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'm a ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me stack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough, calluses on my hands so rough. Yeah, I call your bluff, I'm not the one. Mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide, cause you ain't worth it. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. तो गाइस देखिए, ये हो गया सेला टाउन और हम लोगों को फाइनली आइस देखने को मिला है थोड़ा थोड़ा। और ऊपर जितना ऊपर चढ़ेंगे उतना ज़्यादा दिखाई देगा। और यहाँ पर देखिए एक छोटा सा लेक भी है। अभी आइस इतना अभी दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए गाइस यहाँ पर लोग फोटो खींच रहे हैं। अभी हम लोग भी थोड़ा फोटो वोटो खींच लेते हैं यहाँ पर। आओ नहीं उठ रहे कैसे फील हो रहा है? ठंडा में जमा दे रहा है। नहीं उठ रहे भाई। बैठ जाओ। आइस हाथ में लेने के लिए मिला है भाई। देखिए गाइस, देखिए क्या खूबसूरत एक नजारा आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और सामने तरफ देखिए एक बड़ा सा एक लेक है और पूरा आइस जम गया। देखिए और देखिए लोग यहाँ पर बीच में जाके फोटो खींच रहे हैं। वाओ क्या सीन है गाइस। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive in this. So guys, हम लोगों को रास्ते में और एक लोकेशन मिल गया जो कि जसपंत वॉर मेमोरियल बोल के। और इसका थोड़ा नज़ारा भी आप लोगों को दिखने के लिए कोशिश करूँगा। थोड़ा देखिए किस तरह का नज़ारा है सामने तरफ। ये हो गया जसपंत वॉर मेमोरियल। और अभी हम लोग थोड़ा लॉन्च करने वाले, उसके बाद आगे थोड़ा आगे जाने के लिए कोशिश करेंगे। चलिए अंदर देखते हैं। यहाँ पर पूरा आर्मी का ही सब कुछ है, वो लोग ही देखभाल कर रहे हैं। और खाने का होटल वगैरह जो भी है सब आर्मी का ही है। तो चलिए एक बार खाने में क्या क्या मिलता है देखते। और देखिए साइड देखिए पूरा आइस से ढका हुआ है। देखिए वॉल देखिए
मिल जाएगा यहाँ पर खाना? राजमा राइस तो बढ़िया है। चलो तो देखिए गाइस, यहाँ पर आर्मी का कैंटीन है, वो लोग ये साफ कर रहे हैं। तो हम लोगों को राजमा राइस ले रहा हूँ खाने के लिए, और इधर में बैठ के खाना खाना है, फिर आगे जानेंगे। क्या नज़ारा, क्या सीन है गाइस, देखो वाओ। हम लोगों को फिर इसी रास्ते से जाना पड़ेगा उस तरफ। देखिए गाइस, यहाँ पर देखिए छोटा सा एक एक्सीडेंट हो गया, और रास्ता पर देखिए इतना आइस है, और गाड़ी पूरा साइड में चला गया, इतना स्किप कर रहा है। तो हम लोग बोलेरो से थोड़ा टालने के लिए कोशिश किया, नहीं हो रहा है। अभी ट्रक से वो लोग कोशिश करने वाला है। बहुत ही डेंजरस है रास्ता गाइस। तो चलिए हम लोग चलते हैं गाइस, ठीक है। और गाइस देखिए, तवांग जाने का टाइम में आप लोगों को रास्ते पर इस तरह का मिथुन देखने को मिलेगा, बहुत सारे मिलेगा। चलो चलो चलो, मंकी लोग को कुछ देते हैं हम लोग, चलिए लो 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 लो। यहाँ का मंकी देखिए गाइस, कुछ अलग ही है देखने में। सबसे बड़ा वाला ये ही देखिए, इतना सारा मंकी है। खाओ खाओ, काजू खाओ काजू। या कैच पकड़ लिया, कैच पकड़ो कैच पकड़ो। यहाँ से व्यू देखो गाइस, रास्ता देखो, क्या सीन यार। ऊपर का नजारा देखो कुछ इस तरह है। वाओ वाओ, तो चलिए हम लोग तवांग जाके फिर मिलेंगे दोबारा। फाइनली गाइस, हम लोगों को तवांग टाउन मिलने वाला है, और यहाँ से 15 किलोमीटर डिस्टेंस है। Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing home. A few moments later. तो चलिए गाइस, एक बार आप लोगों को यहाँ का रूम भी कैसा है, किस तरह है, एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, हम लोग यहाँ पर रूम लिया है, इस तरह का रूम है। दो रूम लिया है, और रूम में देखिए हीटर भी है, गीजर भी है, सब सिस्टम है, ठीक है। तो चलिए ब्लॉग करते हैं। तो गाइस, फाइनली हम लोगों को तवांग पहुंच चुके हैं, और देखिए मेरे बैग से पूरा अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है, पूरा अंधेरा हो चुका है। और अभी हम लोग पूरा होटल भी ले चुका हूँ, क्योंकि देखिए आने के बाद में यहाँ टूरिस्ट प्लेस है, होटल मिलता नहीं हो। होटल ढूंढते ढूंढते हम लोगों को आधा घंटा चला गया, इसलिए ब्लॉग को एंड करने नहीं पाया, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा पता नहीं, आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा है। और आगे का वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लोग कल जाने वाले हैं और खूबसूरत एक प्लेस पर, जो कि रेंट में हम लोगों को जाना पड़ेगा एक जल्दी के, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को करते यहीं पर एंड, और मिलते हैं अगले एक वीडियो पर। अभी के लिए फिलहाल टाटा बाय बाय।